जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एम पावर इंडिया लिमिटेड को। क्या बात होगी इस वीडियो में? बात होगी कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, ये 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का पहला रिजल्ट है। रिजल्ट कैसा आया, हालांकि अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा रिजल्ट कैसा आया है, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको इसकी एनालिसिस करके बताऊंगा कि रिजल्ट कैसा आया और इस रिजल्ट के बेसिस पे आगे क्या हो सकता है, जो कि इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में दिखने भी लगा है। लोअर सर्किट लगा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। हुआ क्या है कि रिजल्ट देखिए, हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा करके चलते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर एक बार अच्छा हो जाए तो जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था लास्ट में, जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट, वो बहुत अच्छा क्या, एक जैकपॉट हाथ लग गया था कंपनी को। जैकपॉट के बेसिस पे बहुत बढ़िया कंपनी का सेल्स वगैरह हो गया था, तो लोग उम्मीद करके चलने लगे थे कि जो क्वार्टर वन का नंबर आएगा यह भी एकदम इससे ज़्यादा या कम से कम इसके बराबर तो जरूर आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, आपको एवरेज देखना होता है कि एवरेज जो कंपनी के क्वार्टर का नंबर आ रहा है वो क्वार्टर का नंबर कैसा आ रहा है। एवरेज क्वार्टर का नंबर यदि डबल डिजिट में आ रहा है तो मान लीजिए आप ये अपेक्षा क्यों कर, अगर एक आध क्वार्टर में ये नंबर ट्रिपल डिजिट में भी आ जाता है तो आप ये अपेक्षा करके क्यों चलते हैं कि अब आने वाला हर क्वार्टर का नंबर ट्रिपल डिजिट में ही आएगा। इसका जो एवरेज है वो एवरेज है इसके डबल डिजिट का, यानी कि इस कंपनी का जो सेल्स प्रॉफिट होता है डबल डिजिट में होता है। तो आप एक एवरेज लेकर चलिए कि नंबर इसके मुताबिक आएगा, ना कि अगर एक आध क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट में हो जाता है तो ट्रिपल डिजिट में कंपनी के प्रॉफिट या सेल्स होने लगेंगे। तो अपेक्षा की वजह से लोग क्या होता है, देखिए शेयर मार्केट में धैर्य रखेंगे तो पैसा बनेगा, और अपेक्षा बहुत ज़्यादा करके चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो यही इस स्टॉक में हो रहा है। बहुत से लोग जो पिछले क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अब क्वार्टर वन का रिजल्ट उनको अच्छा नहीं लगा तो वो निकलना चाह रहे हैं, जिस वजह से स्टॉक में लगी जा रहा है लोअर सर्किट। हालांकि यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और आप एम पावर इंडिया लिमिटेड के काम धाम को समझते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जो कंपनी का बिजनेस है उसके हिसाब से भी अगर आप सिर्फ चलें तो लॉन्ग टर्म आपको बेहतर पैसा इस स्टॉक में बनते हुए दिखेगा, और पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में पैसा कमा के दिया भी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप स्थिरता रखिए और धैर्य बनाकर चलिए। अब सीधे चलते हैं पहले हम लोग क्वार्टर के नंबर पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बाकी चीज़ों को समझेंगे। ये देखिए हम लोग आ गए हैं क्वार्टर के रिजल्ट पे। सेल्स देखते हैं। सेल्स क्या होता है, कोई भी कंपनी जब सेवाएं देती है या अगर प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसको कितना उसके बेचने से सेल्स हुआ, या जो सेवाएं देती है उसके कितने लोगों ने लाभ लिया, उससे कंपनी का सेल्स जनरेट होता है। देखिए ओवरऑल आप देखेंगे हर क्वार्टर में जो कंपनी का सेल्स आता है तकरीबन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे ऐसे रहता है। हालांकि इसके 2030 के बाद देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ने लगा था, बढ़ना अभी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 करोड़ का हुआ, यहाँ पे 9 करोड़, यहाँ पे 17 करोड़। मार्च 2024 यानी कि जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था, यहाँ पे 87 करोड़ का कंपनी का सेल्स हो गया था। सिर्फ एक बार कंपनी को 87 करोड़ का सेल्स हुआ ओवरऑल इतने सालों के आप नंबर्स देखेंगे तो उसमें। अब कोई ये मान के चले कि इस 87 करोड़ के बेसिस पे इसके बाद जो रिजल्ट आएगा यह भी 90 करोड़ या 100 करोड़ आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। एवरेज रिजल्ट कंपनी का कितना रहा है, एवरेज रिजल्ट कंपनी का लगभग 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ ऐसा रह रहा है। तो अब फिर भी यहाँ पे जो अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट है 38 करोड़ हुआ है, इसके मुकाबले देखेंगे तो इसके मुकाबले तो ज़्यादा ही है ना भाई 38 करोड़। हाँ, लेकिन जो लोग अब इससे तुलना करें 87 करोड़ से, इसके मुकाबले तो कम रहेगा ही, क्योंकि कंपनी का एवरेज सेल्स क्या हो रहा है, एवरेज सेल्स आपको हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जरूर नहीं कि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर जो होगा वो इसके हिसाब से होगा ना कि इसके हिसाब से होगा। तो फिर भी आपको ये समझना होगा कंपनी का जो क्वार्टर वन का नंबर आया है, ये रिजल्ट जून क्वार्टर का, ये अभी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 38 करोड़ के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर में जितने भी नंबर आए हैं उससे ज़्यादा ही है इसको छोड़ के, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। किसी किसी क्वार्टर्स में ऐसा हो जाएगा कंपनी को बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया, कभी कोई बहुत बड़ी बल्क डील हो गई, बल्क डील होने की वजह से कंपनी का सेल्स अचानक से बढ़ गया। हालांकि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस कमाई, वह भी इस क्वार्टर में आपको ज़बरदस्त बढ़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ था उसके बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था माइनस में था, नहीं बढ़ा था। हालांकि एवरेज जो कंपनी का कमाई धमाई होता है जब कंपनी का सेल्स होता है तो उसके हिसाब से कंपनी का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा वहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा, माइनस में रहा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ क्या रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है यह भी देखेंगे तो माइनस में रहा। लेकिन अभी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई, सेल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जेन्युइन वृद्धि है। ये जो ग्रोथ आप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है ये जेन्युइन ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि किसी बल्क डील या कोई बहुत बड़ी जैकपॉट लगने की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ा है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा था जिस वजह से कंपनी का सेल्स बहुत बढ़ गया था, इस वजह से प्रॉफिट भी बढ़ा था। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा प्रॉफिट इसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन आपको इसे परेशान नहीं होना है। ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल क्या है कि कंपनी के जितने भी अभी तक कंपनी लॉस में थी, अब जाके प्रॉफिट में आना शुरू हुई है, इसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अभी भी
ठीक ठाक प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ जो टैक्स उस देने के बाद बचता है। हालांकि टैक्स के पहले का भी देखेंगे तो लगभग सेम ही रहेगा, लेकिन टैक्स उस देने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल वो सेम होता है। तो वो यहाँ पे आपको 2,12,00,000 के आसपास हुआ है। तो ओवरऑल क्या है कि नंबर बढ़िया आया है और कंपनी का इससे क्या लगता है, कंपनी का फंडामेंटल जो है अभी भी ग्रोथ के मतलब ग्रोथ वाले रास्ते पे और इसमें सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ आपको होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आपको बैलेंस शीट में देखेगा कि कंपनी के पास जो कर्जे हैं, पहले क्या था कि थोड़े बहुत कर्ज था 1 करोड़ के आसपास, वो कर्ज अब कम हो गया है। और यहाँ पे जो है रिजर्व पैसा, देखिए कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो होता है वो कंपनी का बढ़ा है। इससे क्या होगा, कंपनी के पास यदि कोई बुरे दिन आते हैं तो उसमें कंपनी अपने आप को सस्टेन कर सकती है। बुरे दिन का मतलब किसी मान लीजिए क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें कंपनी का सेल्स बिल्कुल नहीं हुआ, कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी कंपनी चलाना है, कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देनी है, तो सब कंपनी कहाँ से देगी। कंपनी के पास रिजर्व पैसा होता है, असेट स्पेस को तो देगी नहीं क्योंकि फिर कंपनी कैसे चलेगी। तो इसलिए एम पावर इंडिया लिमिटेड में अभी यहाँ पे चार्ट में क्या है, देखिए अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, आपको इसे घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप उसमें बने रहिए, क्योंकि जब भी इससे बाहर निकलेगा तो तेज़ी ही आपको देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, न कि गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए आप इसमें होल्ड करके चलिए बिंदास। बाकी मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं सबके कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।